क्रिप्टो को भारत में राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंपनी उभरी भी नहीं थी कि एक और बड़ी खबर सामने आ गई। खबर ये है कि भारत सरकार ने गूगल और एप्पल से इस मामले में एक्शन लेने के लिए कहा है। सरकार ने दोनों कंपनियों को साफ कहा है कि अपने प्लेटफॉर्म से इस एप्लीकेशन को हटा लें। सोमवार को ही कंपनी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें टिकटॉक पर बैन लगाने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगाने से साफ मना कर दिया। इस फैसले के अगले दिन ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टिकटॉक ऐप के खिलाफ ये कदम उठा लिया। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने 3 अप्रैल को सरकार को टिकटॉक पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अपील खारिज कर दी कि अभी ये मामला कोर्ट में है, इसलिए वो इस फैसले पर फैसला नहीं दे सकते। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। अब दूसरी तरफ टिकटॉक का कहना है कि उनका इस बात पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके प्लेटफॉर्म पर सामने वाला क्या कंटेंट डालता है। टिकटॉक की ओर से ऑफिशियल बयान में कहा गया, उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल 2011 पर भरोसा है और कंपनी अपने यूजर्स को लेकर प्रतिबंध है। कंपनी ने कहा कि वो ऐसे कंटेंट रिव्यू करके डिलीट कर रही है जिन्होंने उसके टर्म्स ऑफ यूज और कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। अब इस मामले में एप्पल और गूगल प्ले स्टोर की तरह से कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल मार्केट एनालिसिस और डेटा फर्म सेंसर के मुताबिक पहली तिहाई में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में टिकटॉक दुनिया भर में तीसरा सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया जाने वाला ऐप। पिछली तिहाई में भी इसकी रैंकिंग इतनी थी कि टिकटॉक ने मार्च तिमाही में 18.8 करोड़ नए यूजर जोड़े। भारत की हिस्सेदारी 8.86 करोड़ यूजर्स की थी। पिछले साल के डाटा के मुताबिक ऐप के 50 करोड़ यूजर बेस में भारत की हिस्सेदारी 39% से ज्यादा है। ऐसे में टिकटॉक ऐप पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।